जब ज्योति सिंह पहुंची अयोध्या, अचानक से सरप्राइज दिया पवन सिंह को। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योति सिंह इन दिनों अपने पति के साथ अयोध्या में ही हैं। उनकी आने वाली फिल्म धर्मा की शूटिंग स्पॉट पर, आपको ये भी बता दें कि यहीं पर ले बार भी आई थी और काजल राघवानी से भी मिली थी। साथ ही साथ आपको यहाँ हम बता देते हैं कि यहाँ पर ज्योति सिंह के आने का मकसद ही सिर्फ ये है कि बारिश गाने के जो इतने हार्ड रिकॉर्ड आए हैं उनको सेलिब्रेट करना। जी हाँ, इस गाने को सेलिब्रेट भी किया गया, साथ ही पवन के साथ क्वालिटी टाइम बिताया गया। और भाई, बारिश जैसे रोमांटिक मौसम में अगर इस तरह का गाना आता है तो पति पत्नी का एक साथ रहना वाजिब है। ऐसे में कौन दूरियां बर्दाश्त करता है। वैसे इन दिनों पवन सिंह कई सुर्खियों में हैं ले लो भांग को लेकर, जो कि उनका ले लो पुदीना के तर्ज पर ही गाना आ रहा है सावन का। साथ ही पवन का एक और गाना आज रिलीज़ हुआ जिसे लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। पवन के गाने इन दिनों ट्रेंडिंग में छाए हुए हैं। आपको बता दें, YouTube के म्यूज़िक सेक्शन के अलावा YouTube पर खुद पवन सिंह का बारिश वाला सॉन्ग नंबर 3 पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है। पवन आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में दहाड़ रहे हैं और लोग इनकी दहाड़ से भाई पूरी तरह से उनके विरोध ही कांपते नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।